प्रश्न कर रहे हैं कि शारदीय नवरात्र का क्या महत्व है। आज से शारदीय नवरात्रों का आरंभ हो रहा है। देखा जाए तो व्यक्ति सामान्यतः अपने जीवन की आपाधापी में लगा रहता है। वो लगा रहता है धन को संचय करने में, परिवार की व्यवस्था करने में, सामाजिक दायित्वों को निभाने में। वो लगा रहता है अन्य कार्यों में, मन लगातार बाहर की ओर भाग रहा है। टाइम ही नहीं होता अपने साथ जुड़ जाने के लिए। लेकिन कुछ तिथियां, कुछ पर्व, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब व्यक्ति अपने से जुड़ने के लिए, यदि वो अपने से जुड़ जाए तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये काल हो जाता है। ये दिन, ये रात्रियां, इसमें ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऊर्जाएं, जो आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं, वो भरी होती है। इन आध्यात्मिक ऊर्जाओं को अपने जीवन में उतार लेने के लिए हम नवरात्रों में भजन करते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। अनेक तरीकों से अपने आप को शुद्ध रखते हुए उस दिव्यता के साथ अपने आप को एक करने की अभ्यास में लगे रहते हैं। क्योंकि ये समय ग्रहों की चाल, ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह इस प्रकार से हमारे अनुकूल बह रहा होता है, यदि हमने उसको अनुभव कर लिया। जैसे गंगा बह रही है, जो डुबकी लगाएगा वही स्नान कर सकेगा, डुबकी लगाए ही नहीं तो स्नान कैसे होगा। ऐसे ही ब्रह्मांड बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जाओं से, पॉजिटिव एनर्जीज से भर जाता है। यदि हम उससे अपने आप को अलाइन कर सके तो उस ऊर्जा का जो लाभ है हम ले सकते हैं, अन्यथा वो ऊर्जा का लाभ हमको नहीं मिल पाता। ये जरूरी हो जाता है मन को शांत कर लेने के लिए, ये जरूरी हो जाता है तन को शुद्ध कर लेने के लिए, ये जरूरी हो जाता है अपने भीतर की यात्रा, अपने को जानने के लिए, जानने के लिए उस शक्ति को जिस शक्ति के आधार पर हम चल रहे हैं। एक शिव है, एक शक्ति है, इसलिए नौ दुर्गा की पूजा की जाती है। हमारे नौ चक्रों के आधार पर नौ दुर्गा है, जो अलग अलग शरीर में मन के स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर कार्य करके हमें शिव के साथ एक कर देने में मदद करती है। तो इन दिनों हम शक्ति की आराधना करते हैं, वो शक्ति जो हमारे जीवन को चला रही, जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, हम खाते हैं, हम सोते हैं, जाग जाते हैं, हम सांस लेते हैं। हमारे जीवन की सारी यात्रा इन्हीं शक्तियों के आधार पर हो रही है। और ये जो शक्ति है इन दिनों में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पॉजिटिव रूप से ब्रह्मांड में बह रही होती है। तो हम क्या करते हैं कि अपने आप को शुद्ध करते हैं, तैयार करते हैं, अपने शरीर को तैयार करते हैं, जिससे हम उस आध्यात्मिक प्रक्रिया के साथ एक हो सके। कैसे करें शुद्ध अपने आप? अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए हमारा भोजन हल्का होना चाहिए। हमारा भोजन ऐसा हो जो हमारे अंदर जो बीमारियां पनप रही हैं, जो नेगेटिविटी आ गई है, जो मल इकट्ठा हो गए हैं, जो भारीपन आ गया है, वो दूर हो सके। हम उपवास करते हैं और फलाहार करते हैं, ऐसा भोजन करते हैं जिससे शरीर में हल्कापन रहे। अन्यथा अधिक भोजन हमारे शरीर में तमगुण को बढ़ा देता है, आलस्य को बढ़ा देता है, और जब हमारे अंदर आलस्य बढ़ता है तो नींद ज्यादा आती है। जबकि ये पर्व है रात्रि के, रात को उस शक्ति के साथ अलाइन करने के लिए ये तब हो सकेगा जब हमने दिन में भोजन हल्का किया होगा। यदि भोजन ही हमने बहुत भारी भरकम कर लिया है तो भारी ज्यादा भोजन करने से, गारिष्ठ भोजन करने से, रूटीन में जो भोजन किया जा रहा है वैसा भोजन हमारे अंदर तम गुण को बढ़ाकर आलस्य को पैदा करता है और हम सो जाएंगे। फिर रात को जो साधना के लिए, ध्यान के लिए हमें बैठना है वो नहीं बैठ पाए। इसलिए
आरंभ होता है उपवास से, शरीर की शुद्धि से। और ये उपवास केवल रात की साधना के लिए ही काफी नहीं होता, बल्कि ये उपवास लाभकारी हो जाता है शरीर के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये दिन ऋतु परिवर्तन के दिन है। अब बस ठंड आ ही रही है, जब बारिश से ठंड की तरफ मौसम बदलता है तो प्रकृति में बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं, बहुत सारे पानी में बैक्टीरिया आ जाते हैं, अनेक प्रकार के बैक्टीरिया हमारे सिस्टम को कमजोर करने लगते हैं, इसलिए बहुत लोगों को वायरल की शिकायत और अनेक बीमारियां शुरू हो जाती है। ऐसे में अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम उपवास करते हैं और ऐसा भोजन करते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को और ताकत दे। ये उपवास की प्रक्रिया जो हमारे साथ हम करते हैं, उससे हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वस्थ होने लगते हैं, और फिर जब ऋतु परिवर्तन हो चुका होता है, चूंकि हमने अपने आप को तैयार कर लिया है, तो अब ठंड का प्रभाव सीधे तौर पर जब शरीर पर पड़ेगा तो शरीर आराम से सहन कर सकेगा, चूंकि वो मजबूत है, शुद्ध है, शक्तिशाली हुआ है उपवास के माध्यम से और हल्के भोजन और फलाहार के माध्यम से। तो एक तो हो गया इसका चिकित्सीय पक्ष, दूसरा हो गया कि हमने दिन में उपवास किया और रात को हम ध्यान के लिए बैठ रहे, साधना के लिए बैठ रहे। तो जब हम रात को साधना के लिए और ध्यान के लिए बैठ रहे हैं तो वो जो हल्का भोजन है वो उस ध्यान में हमारे सहायक होने लगेगा, तो शरीर को हम हल्कापन देते हैं, उपवास करते हैं। फिर कोशिश करते हैं कि हम अपनी दिनचर्या में जितना भी हो सके शुभ कार्य करें, अच्छे कार्य करें, अच्छा बोले, हमारे शब्दों में प्रेम हो, हमारे शब्दों में ज्ञान हो, हमारे शब्दों में समता हो, हमारे शब्दों में एक दूसरे को ध्यान रखते हुए शब्दों का आदान प्रदान हो, ना कि किसी को नीचा दिखाने या किसी को किसी प्रकार से नेगेटिव करने का। हमारे शब्द सुगंध जैसे महके, ये केवल और केवल उपवास करने के दिन नहीं, बल्कि ये तो संयम के दिन है, ये तो प्रार्थना के दिन है, तो अपने शब्दों पर हमें संयम करना होगा। इसलिए हम देवी के अलग अलग रूपों की आराधना करते हैं, देवी पाठ करते हैं, जिससे हमारी वाणी में दिव्यता आए, वाणी में शुद्धता आए, वाणी में वो शब्द आए जो रूटीन में हमारे नहीं होते, वो शब्दों के माध्यम से हमारे अंदर भाव बदलेगा और एनर्जी उसी तरह से कार्य करना शुरू करेगी। हमने पाठ तो किया लेकिन दिन भर हमारे शब्द बिखरे हुए थे तो भी बात नहीं बनेगी। कोशिश करनी है कि ये 9 दिन साधना के दिन है, वाणी को संभाल कर बोलो, द्वेष वाले शब्द ना हो, क्रोध वाले शब्द ना हो, अहंकार वाले शब्द ना हो, बल्कि प्रेम वाले शब्द हो। जैसे देवी आपने पहले दिन कलश की स्थापना हम करते हैं, तो बाहर जब कलश की स्थापना करते हैं तो स्थापना केवल बाहर ही नहीं हो रही होती, वह आपके अंदर भी स्थापित हो रहा होता है, तो देवी आपने अपने ही भीतर प्रतिष्ठित कर ली है। अब देवी जब हमारे भीतर प्रतिष्ठित हो गई है, अब हम कौन से शब्द देंगे? देवी देख रही, तो यदि हमारे शब्द ही बहुत ही बिखरे हुए हैं तो स्थापना जो की है वो तो फिर बेकार हो गई। देवी तो वहां रहेगी जहां पर शुद्धता हो, पवित्रता हो, इसलिए हम पूजा पाठ नहा धोकर करते हैं, मलादी का त्याग करके करते हैं, जिससे हम एक शुद्ध अपने आप को तैयार करके पूजा कर सके। और यदि हमने अपने विचारों को, अपने शब्दों को ही अशुद्ध किया हुआ है तो फिर देवी की स्थापना कैसे हो पाएगी? तो अपने शब्दों को सजाओ और संवारो, फिर ध्यान दो अपने विचारों, विचार कौन से चल रहे हैं? ये विचार नेगेटिव हैं क्या? भय के हैं, दुख के हैं, हलचल के हैं, ये कौन से विचार हैं? इनको ध्यान दो और इन विचारों में एक ऊंचापन लेकर आओ, एक दिव्यता लेकर आओ, एक पॉजिटिविटी लेकर आओ, और दिन भर उस देवी के, उस शक्ति के, उस शैलपुत्री के, उस ब्रह्मचारिणी के, उस चंद्रघंटा के, उस कृष्ण माणा के, स्कंद माता के,
कात्यायनी काल रात्रि और महागौरी के भाव में अपने आप को बनाए रखो, देवी के अलग अलग रूपों की आराधना करो, उनका चिंतन करो, उनका मनन करो, उस शक्ति को अपने साथ आत्मसात करो, अनुभव करो कि वो शक्ति मेरे साथ है। जैसे जैसे विचारों की शुद्धि होने लगेगी, वैसे वैसे हमारे अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है उसका जागरण होना आरंभ हो जाएगा। जैसे जैसे हम अपने शरीर को शुद्ध करेंगे, अपने शब्दों को शुद्ध करेंगे, अपने विचारों को शुद्ध करेंगे, वैसे वैसे हमारे भाव शुद्ध होने लगेंगे। अब भावों में जो अशुद्धियां हैं, जो भी भावों में अशुद्धियां हमारी रहती हैं, हम क्रोध में रहते हैं, काम में रहते हैं, लोभ में रहते हैं, मोह में रहते हैं, हम विरोध में रहते हैं, हम ईर्ष्या में और द्वेष में रहते हैं, ये भाव हमारे बड़े अशुद्ध भाव हैं। हम हिंसक भाव में रहते हैं, हम नॉन वेज खाएंगे, हम झूठ बोलेंगे, हम चोरी चकारी के भाव में अपने मन को ले जाएंगे, हम वासना में अपने आप को ले जाएंगे। तो ये भाव सब अशुद्ध भाव हैं। हमें अपने भाव को भी शुद्ध करना होता है, अर्थात ये 9 दिन कायाकल्प के हैं, पूरी तरह से बदलाव के हैं, नए हो जाने के हैं। नए हो जाना है शरीर के स्तर पर, शब्दों के स्तर पर, विचारों के स्तर पर, नया हो जाना है अपने भाव के स्तर पर। जब रूपांतरण होने लगता है, ट्रांसफॉर्म होने लगता है, अब हम तैयार हो जाते हैं उस दिव्यता को अनुभव करने के लिए। वो दिव्यता जो हमारे साथ रहती ही है, ब्रह्मांड में भी होती है और हमारे अंदर भी होती है, लेकिन ये दिन हमारे अंदर भी उस दिव्यता का प्राकट्यकरण होने लगता है और ब्रह्मांड में भी। तो ये दिन जब हम विशेष रूप से साधना में, तप में, ध्यान में लेकर जाते हैं, भजन में, कीर्तन में और सत्संग में लेकर जाते हैं, तो हम अंतर्मुखी होने लगते हैं। और जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं तो हम उसके बाद हमारा जीवन पूरी तरह से नए रूप से होने लगता है। इसलिए जरूरी हो जाता है अपने को तैयार करना। इस दिन, इन दिनों में दिन भर माँ भगवती की आराधना की जाती है, उपवास किया जाता है, शुद्ध भाव रख के, और फिर रात्रि के समय हम ध्यान के लिए बैठते हैं। ध्यान करना एक अनूठी क्रिया है, क्योंकि ध्यान से ही हमारा ये जो पिंड है, ये जो शरीर है, उस ब्रह्मांड के साथ एक होने लगता है। ध्यान रात को, और ये है भी रात्रि, रात का समय पूरे ब्रह्मांड में एक शांति होती है। जैसे दिन भर जो दीवार पे टंगी घड़ी है, उसकी जो सुई है, टक टक टिक टिक की आवाज, सेकंड की आवाज, वो हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन आवाज उसकी होती है। रात को वो आवाज कई बार इतनी तेज लगती है कि वो नींद हमारी खोल देती है। रात इतना सब कुछ जो प्रकृति है वो शांत हो जाती है, कोई आवाजें नहीं हो रही होती, कोई कोलाहल नहीं है, कोई हलचल नहीं। तो जो ब्रह्मांडीय एनर्जी है वो सीधा हमारे ऊपर आने लगती है, अन्यथा ट्रैफिक कितना होता है, इतना ज्यादा वाइब्रेशंस होती है, इतना ज्यादा हलचल होती है, इतनी ज्यादा साउंड पोल्यूशंस होती है कि उसका प्रभाव दिन में हमारे तक नहीं आ पाता, जो दिव्यता है। इसलिए रात के समय जब प्रकृति शांत हो जाती है, अब हम अपने आप को ध्यान में रखकर अलाइन करते हैं उस दिव्यता के साथ, और शक्ति के मंत्रों का उच्चारण करती। वो शक्ति के मंत्र का उच्चारण का जो लाभ है, वो हम जैसे ही हम उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है, बाईं तरफ ईड़ा नाड़ी है, दाईं तरफ पिंगला नाड़ी है, और बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें जो सबसे निचला स्तर है, जहां पर मूलाधार चक्र है, उस मूलाधार में वाइब्रेशंस होने शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत सारे साधक मुझको बताते रहते हैं कि जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी के पीछे कुछ लगता है कि जैसे कुछ रेंग रहा हो, कुछ चीटी सी चल रही हो, कुछ हलचल सी हो रही हो, कुछ है जो गति सा कर रहा हो। वो यही शक्ति है जो अब जाग रही है और वो ऊर्ध गति करेगी। दिन में कठिन हो जाता है, लेकिन रात को सरल हो जाती है साधना।
तो धीरे धीरे वो शक्ति जैसे ही ऊपर की तरफ गति करना शुरू करती है तो क्रमशः मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र की तरफ वो गति करनी शुरू कर देती है। यानी कि भगवती जाग गई है, यानी कि शक्ति जाग गई है, कुंडलिनी जाग गई है, जिसको हम नवदुर्गा कहते हैं, जो हमारे ही अंदर स्थित है। अब वो जागरण उनका हो गया है। हम कहते हैं ना देवी जागरण, वो जागरण रात को जागना नहीं बल्कि हमारे भीतर जो शक्ति है उसके जाग जाने की क्रिया है। तो जब वो देवी जागती है तो अब हमारे अंदर सबसे पहले जो भी कुछ नकारात्मकता है उसका स्वाहा वो कर देती है। हमारी जो आदतें हैं, हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो इच्छा और वासना और जो विकार बहुत ज्यादा हम पर हावी हो चुके हैं, सबसे पहले उनको शांत किया जाता है। तो जैसे जैसे शक्ति जागती जाती है वैसे वैसे एक हमारे अंदर दिव्यता का प्राकाट्य होना शुरू हो जाता है। जैसे सुबह के समय जैसे जैसे रोशनी सूरज की आने लगती है अंधेरा वैसे वैसे कम होता चला जाता है, अंधेरा वैसे वैसे छट रहा है, कम हो रहा है। ठीक ऐसे ही जैसे जैसे शक्ति जागती है वैसे वैसे हमारे अंदर की शुद्धि होनी आरंभ हो जाती है। और जब वो शक्ति पूरी तरह से जाग जाती है और लगातार हम उस शक्ति को जगाए रखने के लिए ध्यान, उपवास और जो आध्यात्मिक साधनाएं हैं उनको करते रहते हैं, तो लगातार शक्ति का जागरण शिव के साथ शक्ति को एक कर देता है, जिसको शिव शक्ति मिलन कहते हैं। वही अवस्था मुक्ति की। ये दिन बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं अपनी इस आध्यात्मिक साधना के लिए। और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक होते जाते हैं वैसे वैसे जीवन को नए नजरिए से देखने और जीने के लिए हम आगे बढ़ने लगते हैं। अन्यथा वही एक धर्रा जैसे कोहलू का बैल, बस वो उसी में ही चक्कर लगा रहा है और वहीं पर चक्कर लगा चलता बहुत है, पहुंचता कहीं भी नहीं क्योंकि वही चक्कर लगाना। हम भी कुछ ऐसे ही कर रहे होते, जीवन एक कोहलू के बैल की तरह हो जाता है, चलते बहुत हैं सुबह से लेकर रात तक, काम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन रहते वही। ये जो समय है, ये जो काल है, ये काल है उस वो जो रूटीन वर्क है उसको तोड़कर नए सिरे से अपने जीवन की दिनचर्या को डिजाइन करना, जिससे एक नयापन हमारे अंदर आना आरंभ हो जाए और शरीर के अंदर जो गहरे रूप में रोग पैदा हो रहे थे काफी हद तक उपवास, ध्यान और साधना के माध्यम से उनका जो नामो निशान है वो मिटाया जाता है। फिर जल्दी से रोग हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं दिखाते क्योंकि हमने उसके लिए काफी कुछ, जैसे घर में जाले लगे हो, कूड़ा करकट पड़ा हो तो मक्खी मच्छर बदबू आई जाएंगे और आप जाले हटाओ, कूड़ा करकट हटाओ तो फिर बदबू नहीं होगी, मक्खी मच्छर नहीं होंगे क्योंकि सफाई आपने कर ली है। ऐसे ही शरीर के अंदर यदि आपने शुद्धि रख ली तो फिर जल्दी से बीमारियां आपके अंदर प्रवेश नहीं करेंगी और यदि आप नहीं रख पाए तो बीमारियां जल्दी प्रवेश कर जाएंगी। तो यह एक प्रक्रिया है लंबे समय तक शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, यह एक प्रक्रिया है लंबे समय तक अपने मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, अपने विचारों को शुद्धि देने के लिए, अपने भावों को बेहतर करने के लिए। यह एक प्रक्रिया है, एक अनूठी प्रक्रिया है जो भारतीय परंपरा में, चूंकि वैसे तो नवरात्रे एक अविशारदीय नवरात्र आए हैं और इससे पहले एक नवरात्र और चैत्र के नवरात्र भी, 9 दिन के ये दो दो नवरात्र ऋतु के बदलने के समय आते, जो हमारे शरीर के, मन के, बुद्धि के हर स्तर पर जो एनर्जी नीचे की तरफ जा रही थी, डाउन हो रही थी, बारिशों में एनर्जी धीरे धीरे डाउन होने लगती है, रोग शरीर कमजोर होने लगता है। सबसे ज्यादा कमजोर शरीर यदि किसी समय होता है तो बारिशों में होता है, चौमासे में होता है, इसलिए रोगों का आक्रमण होता है। तो ऐसे में जब वो समाप्त हो रही है बारिश और ठंड की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें ध्यान भी है तो प्राणायाम भी है,
जिसमें साधना भी है, तो उपवास भी है, तो तप भी है, तो संयम भी है। ये पूरे एक होलिस्टिक अप्रोच रखते हुए हमारे अंदर दिव्यता का संचार करना आरंभ कर देता है। नवरात्रि में देवी के जो 51 शक्तिपीठ हैं, उन सब शक्तिपीठों में मेले होते हैं। लोग बहुत मात्रा में शक्तिपीठों पर पहुंचते हैं और उनके अंदर यही भाव होता है कि वो जो दिव्यता है वो हमारे अंदर पूरी तरह से प्रकट हो जाए। बंगाल में तो देवी पूजा के लिए बहुत ही विशेष आयोजन किए जाते हैं। गुजरात में गरबा डांस किया जाता है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि अब धीरे 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 सारे त्योहार जो फेस्टिव सीजन है वो आ रहा है, तो सारे फेस्टिव सीजन का आरंभ हो रहा है इन 9 दिनों के माध्यम से। तो पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, पूरी सात्विकता के साथ हम स्वागत करते हैं उस दिव्यता का जो हमारे अंदर प्रकट होने वाली है। चूंकि ये दिव्यता, चूंकि ये 9 दिन यदि आपने अपने साथ बिता लिए तो हम अपने से जुड़ जाएंगे, अपने स्वरूप से, अपने शक्ति से, अपने शिव तत्व से जुड़ जाएंगे। और ये स्वरूप से, ये शक्ति से, ये शिव तत्व से जुड़ने की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, वो हमें फिर लंबे समय तक शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य देने में हमारी मदद करेगी। इसलिए इन नवरात्रों का बहुत ही विशेष महत्व है हमारे जीवन में। आप जरूर शुद्धता के साथ, सात्विकता के साथ, पवित्रता के साथ इन दिनों को पूरे उत्साह, पूरे उमंग, पूरे उल्लास के साथ इन दिनों में जाएं। एक एक दिन हम अलग अलग एनर्जी लेवल पर होते हैं, अलग अलग डायमेंशंस पर होते हैं, अलग अलग देवी की पूजा होती है और फिर एक समय ऐसा आता है कि हम एनर्जी को पूरी तरह से अपने सहस्रार चक्र में स्थापित कर लेते हैं और फिर अंत के दिन हम हवन कर लेते हैं, यज्ञ कर लेते हैं कि हम पूरी तरह से अब एक हो गए हैं उस दिव्यता के साथ।